अगेन, क्योंकि आईडब्ल्यूएल का स्क्वाड हम लोग ये अग्रेसिव नेचर को देख रहे हैं कि वो लोग किस तरीके से जो है मतलब फाइट्स वगैरह को लेते हैं, किस तरीके से फाइट्स से निकलते हैं, और एट दी एंड जब हम लोग काउंट करते हैं उनके किल्स तो हमें बहुत ही बड़ा नंबर जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन मैं बीआई का स्क्वाड आगे बढ़ते हैं, जैसे अनफॉर्चूनेटली और अगर यहाँ पर देखा जाए तो मानी की तरफ से तीन प्लेयर टीम बी आई के नॉक कर दिए गए, वन वर्सेस थ्री किया गया फ्रॉम आईएनएफ की मानी की तरफ से। बैक एंड से टीपू और मारियो भागते हुए आ रहे हैं, बड़ा जबरदस्त गेम प्ले किया, और बी आई ऑर्थर आई थिंक यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली देख नहीं सके। ऑब्वियसली दे न्यू, बड़ी इजीली टीम बी आई को यहाँ पर क्लियर किया। क्या जबरदस्त किस्म का एकदम सडन डेथ सर्टिफिकेट दिया है टीम बीआई को विदाउट दे नोइंग, उनको पता भी नहीं चला कि दे ही वाज इन द रूम। पहले को नॉक किया, देन सेकंड गेम सेकंड नो को नॉक हुआ, थर्ड को बैक एंड से कवर दी आईएनएफ मारियो एंड टीपू ने और इजीली क्लियर कर दिया टीम बीआई को। बिल्कुल, हमारे पास एक जगह पर 1v3 लाइक आईएनएफ के मानी का बहुत ही आला हमें देखने को मिला है 1v3, मतलब वेट कर रहे थे कि टीम हमारे पास जो बीआई है वो जैसे ही वो आएगी तो मैंने उनको जो है ना यहाँ पे नॉकआउट करना है। मतलब पहले हियरिंग ही नहीं थी बंदे ने, जैसे ही प्लेयर आए वैसे हमें डैमेज दिया और तीनों को ले गया बंदा। लेकिन ऐसा स्क्वाड के प्लेयर जीरो एक एक जीरो कह रहा हूं, अरे मतलब मेरा हमारा जीरो किल है ऐसा महसूस हो तुम दोनों कैसे मर गए? पीछे पीछे ही मारा, पीछे से तो अपने ही भाई निकले। तो बैंजू जी जो हम कर रहे हैं वो ये करके बैठे हैं बैंजू, ये लग गए लोड़े बैंजू, कर लो बकचोदी हो गई बैंजू। अरे बकचोदी क्या, अपन सीरियस मोड में आए थे क्या? बैठा था भाई, मैं समझ गया, मैं वो चीज समझ गया, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि साला ये लोग बैठे हुए थे ऑलरेडी भाई, पीछे वाले भी सेम स्क्वाड थे क्या? हां ये तो अपने से भी बड़ा बैठा था भाई, मेरी गन अंदर थी बैंजू। अभी ये क्या स्ट्रेटजी था? सांचो तो अपना ही कटा भाई। नो यू कार्ड। काला चिकन। मेरे ऊपर बंदा। पूरा स्क्वाड आया। आ गया ऊपर नहीं आ रहा, जल्दी आ टिपू। लास्ट है। नो, पूरा दे इनको। मेरे घर के पीछे लेटा पड़ा है बिल्कुल।